Akanksha, am I audible? Yes, Okay. So we are going to start today's topic, which is about the difference. Which is about the difference between two things, which are very important for examination. Examination में ये क्वेश्चन काफी कॉमन है. ये डिफरेंस आता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में अंतर. और दूसरा जो अंतर है वो है माइक्रो एंड मैक्रो. ठीक है, तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करेंगे, MCQ 4 का हमारा टॉपिक है, तो ये क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा. और ये काफी कॉमन क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है कि ये आया है. हालांकि जो मैं अभी आपको आंसर दे रहा हूँ ये थोड़ा छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है. ये अगर क्वेश्चन आया भी तो मे बी शायद 5 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आया तो इस आंसर को लिखना है. और अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग मार्क्स में आता है, आई मीन 10 मार्क्स या 15 मार्क्स में आता है, या इवन अगर 20 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन अगर सिंगल क्वेश्चन होता है तो उसके आंसर थोड़े से बड़े होंगे. ठीक है, तो मैं जो मैं PDF शेयर करूंगा वो मैं शेयर कर दूंगा, रिसेंट वाला, जो जो बड़ा वाला आंसर होगा मैं वो शेयर करूंगा. अभी मैं फिलहाल जो छोटा वाला आंसर है उससे मैं करा रहा हूँ, क्योंकि बड़ा वाला जो है वो भी रेडी नहीं है. ठीक है, सो वो बात है. तो हालांकि जो डिफरेंसेस बड़े वाले में की जाती है वो पॉइंट्स वाइज की जाती है, तो उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे पैराग्राफ के हिसाब से मेंशन किया गया है. बोथ आर सेम, बट जस्ट है कि वहां पे पॉइंट वाइज जो है उसको थोड़ा इलेबोरेट किया जाता है ना. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला टॉपिक है हमारा इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया था, इंटरनल और एक्सटर्नल. सो ऐसा एनवायरनमेंट जो आपके बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करता है और जिसके ऊपर आपका कंट्रोल होता है, दैट इज योर इंटरनल एनवायरनमेंट. एंड द एनवायरनमेंट व्हिच एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ योर बिजनेस एंड यू हैव नो कंट्रोल ओवर दैट, दैट विल बी कॉल्ड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. बिकॉज यू हैव नो कंट्रोल, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस बाहर के एनवायरनमेंट के ऊपर, इसलिए हम उसको एक्सटर्नल बोलेंगे. जो भी चीजें इंटरनल होती हैं मोस्टली वो चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं, बट कोई चीज अगर हमारे हमारे कंट्रोल के बाहर है या हमारे बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करती है तो वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का हिस्सा कहलाएगा. ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पहले, क्रेडिटर्स हो गए, आपका जो बिजनेस के एम्प्लॉयज, जो आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं आपके लिए, वो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गए. जो मैनेजमेंट है वो आपका इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा हो गया. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या आ जाएगा, बाहर के लोग जिसका इंटरेस्ट आपके बिजनेस में है ना, जैसे कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें ये. लेकिन वो जो चीजें हैं उसको हम लोग वहां पे पेस्टल, पेस्टल मैंने आप लोगों को बताया था कि पेस्टल आप लोगों को याद रखना है जब भी आपसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पूछा जाएगा. ठीक है, पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोलॉजिकल या फिर इकोनॉमिकल, एफ फॉर सोशियोलॉजिकल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, एल फॉर लीगल, और जो आखिर वाला ई है उसको आप साइमल्टेनियसली कुछ और यूज कर सकते हैं. एक और आता है डेमोग्राफिकल, डी फॉर डेमोग्राफिकल, वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो. ठीक है ना, तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि अलग अलग चीजों में एग्जिस्ट करते हैं, इंटरनल के अलग हैं और एक्सटर्नल के अलग हैं. ठीक है, अब थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है हमारे नोट्स में. इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, द इंटरनल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फैक्टर्स एंड कंडीशंस विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इट्स ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस. ठीक है ना, सिंपल सा डेफिनेशन है कि ऐसे जितने भी सारे फैक्टर्स हैं या कंडीशंस हैं जिसके कारण से बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डायरेक्टली, है ना, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली उसके ऑपरेशन और परफॉर्मेंस के ऊपर असर पड़ता है, ऐसे फैक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल एनवायरनमेंट कहेंगे. ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द फैक्टर्स एंड कंडीशंस विद इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव अ डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन इट्स ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस. ठीक है, सिंपल कुछ कह रहे हैं आप लोग. नो सर, दीज आर कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट. हाँ, बहुत ही सिंपल सा है कि आपका जो भी जो फैक्टर्स है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपके बिजनेस का ऑपरेशंस पे पड़ेगा. अगर आपका क्रेडिटर आपको सामान किसी भी सप्लाई ना तरह करे, रॉ से मटेरियल सप्लाई ना करे, तो आप प्रोडक्ट को बना ही नहीं पाएंगे, डायरेक्ट इंपैक्ट है ना. पॉलिटिकल में क्या होता है कि कंपनी के अंदर से कुछ नहीं हो रहा, पॉलिटिकल चीजें बाहर से होती है. गवर्नमेंट ने कुछ चीजें डिसाइड करी कि चलो आप ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में अब नहीं बिकेगा. अगर आप उसी प्रोडक्ट को बनाते हो जिसने गवर्नमेंट के ऊपर बैन लगा दिया है, गवर्नमेंट ने जिसके ऊपर बैन लगा दिया है, तो आपका तो बिजनेस गया, राइट. तो वो बाहर की चीजें हैं और आपको उस चीज के ऊपर कंट्रोल भी नहीं है. तो मैं फिलहाल इंटरनल की बात कर रहा हूँ. दीज कैन फैक्टर्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स मैनेजमेंट. अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ये नॉट जनरली क्या होते हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके कंट्रोल में होता है, उसके अंडर में होता है, और इसको आप बहुत ही आसानी कंट्रोल. से इसमें इन्फ्लुएंस लगा सकते हो, यूज कर मतलब कर सकते हो. आप इसमें फ्लेक्सिबल हो करके अपने जो भी स्ट्रेटेजीज पॉलिसीज हैं आप इसके अकॉर्डिंग आप चेंजेस ला सकते हो, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है. सम की एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट इंक्लूड
कंपनीज मिशन, कंपनी का जो मिशन है, विजन है, वैल्यूज है, ये सारी चीजें कंपनी कभी भी चेंज कर सकती है. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, चेंज किया जा सकता है. ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है उसको चेंज किया जा सकता है. इम्प्लॉयज है, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, रिसोर्सेज हैं, इन सारी चीजों के ऊपर आपका कंट्रोल है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इंटरनल एनवायरनमेंट. ऑन द अदर हैंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉम्प्रोमाइजेज फैक्टर्स एंड कंडीशन आउटसाइड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट इट्स ऑपरेशन बट आर बियॉन्ड इट्स कंट्रोल. ठीक है ना? तो बिजनेस के बाहर ऐसे फैक्टर्स या फिर कंडीशन जो कि बिजनेस के ऑपरेशन को इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है ना, और उनका उनके ऊपर आपका कोई कंट्रोल भी नहीं होता, उसको हम लोग नहीं कहेंगे रहता एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है? दीज फैक्टर्स कैन हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस. मैं बिजनेस लगा दे रहा हूँ, हालांकि आप अगर सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन भी लिखेंगे तो चलेगा. ऑर्गेनाइजेशन नो सक्सेस एंड प्रॉब्लम इंक्लूड द इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल एंड कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स. देखो पेस्टल ही है, लोगों ने आगे पीछे करके लिखा है, पर वो है पेस्टल, PESTL, पेस्टल. आखिर में एक और ई ओके और डी आप जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये शॉर्ट फॉर्म है याद रखने का. कई बार ना लॉन्ग में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर्स दैट इंपैक्ट द बिजनेसेस ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग प्रोसेसेस या फिर फंक्शंस. आप इस तरीके से 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है. उस टाइम पे आपको क्या करना होगा, आपको पूरा का पूरा का पूरा पेस्टल जो है उसको डिटेल में बड़े तरीके से लिखना होगा विथ एग्जाम्पल, ताकि आपको मार्क्स मिले. ठीक है? तो उस तरह के क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे. तो ये पेस्टल अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है, ठीक है ना, तो वो भी एग्जाम में आ सकता है, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा. नाउ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैन बी फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो. ठीक है? अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको हम लोग माइक्रो या फिर माइक्रो के रूप में भी बांट सकते हैं. माइक्रो मतलब आप लोगों को पता है कि छोटा होता है, और मैक्रो मतलब बड़ा छोटा और होता है. बड़ा। राइट यस राइट, यस ठीक है ना. एक मिनट जरा सा, मुझे या एक कॉल अटेंड करना है. प्लीज अटेंड। ओके गाइस, तो हम लोग माइक्रो एंड मैक्रो के बारे में बात कर रहे हैं. नाउ द माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू द इमीडिएट एंड स्पेसिफिक फैक्टर्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एबिलिटी टू सर्व इट्स कस्टमर्स. ठीक है ना? सो ऐसे एनवायरनमेंट, हालांकि वो एक्सटर्नली है लेकिन माइक्रो है, छोटा है, और उसका इम्पैक्ट जो है आपके बिजनेस के ऑपरेशन के ऊपर पड़ रहा है, आपकी एबिलिटी जो है सर्व करने की अपने कस्टमर्स को, इसके ऊपर आपका जो है इम्पैक्ट पड़ रहा है. दीज फैक्टर्स आर द क्लोज टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इट्स डे टू डे ऑपरेशन. यहीं पे आ जाएगा क्रिएटर्स, है ना, क्रिएटर, सप्लायर्स, है ना, इस तरह के जो लोग लो होंगे वो लोग आ जाएंगे. डे तो टू माइक्रो डे जहां से एनवायरनमेंट, एक्टिविटी जी जी होगा, जहां से सर डे टू डे एक्टिविटी होगा। हाँ, डे टू डे एक्टिविटी वाला जितना सारा काम होता है उसमें इम्पैक्ट इम्पैक्ट करने वाला जो फैक्टर्स है वो सब आ जाएगा. करेगा। द माइक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड स्टेक होल्डर सच एज कस्टमर्स, यहाँ पे कस्टमर्स आ जाएंगे, सप्लायर्स आ जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, स्टेक होल्डर्स आ जाएंगे, जिन लोगों ने आपने आपकी कंपनी में पैसे लगाए हैं, शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, एम्प्लॉइज, इंटरमीडियरीज वगैरह वगैरह, ये सारे लोग इसमें आ जाएंगे जो कि आपके डे टू डे ऑपरेशन को इम्पैक्ट करते हैं बाई डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोसेस. ठीक है? द रिलेशनशिप द रिलेशनशिप एंड इंटरक्शन विद दीज स्टेक होल्डर्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड सक्सेस. तो अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, उसको सक्सेस की तरफ लेकर के जाना है, तो आपको इन सारे फैक्टर्स के साथ अच्छे तरीके से डील करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज है आपके आपके बिजनेस के अंदर ना हो करके भी, लेकिन ये बहुत क्लोज है, क्योंकि अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप अपना बिजनेस ठीक तरीके से रन नहीं कर पाएंगे. ठीक है? ये हो गया. ऑन द अदर हैंड मैक्रो एनवायरनमेंट में पेस्टल आ जाएगा. मैंने पेस्टल के बारे में ऑलरेडी आपको बताया, पेस्टल इसके अंदर में आ जाता है पूरा का पूरा, ऐसा बड़ा एनवायरनमेंट जो कि आपके कंट्रोल में है ही नहीं, और उसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है. ठीक है? सो ऑन द अदर हैंड द माइक्रो एनवायरनमेंट रेफर्स टू द ब्रॉडर सोसाइटल एंड एनवायरमेंटल फोर्सेस दैट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ अ बिजनेस.
ठीक है ना। सो ब्रॉडर है ना, बड़ी जो बड़ी सोसाइटल और बड़ी इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं जो कि आपके बिजनेस के ऑपरेशंस को एक तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं, वो हमारे मैक्रो एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, दीज फैक्टर्स आर जनरली बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका कंट्रोल जो है आपके पास नहीं होता है, आपके कंट्रोल के बियॉन्ड होता है ये वाला। एंड दे हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट, कहाँ गया, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर इन्फ्लुएंस्ड बाई लार्जर सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स। इसमें जो भी ट्रेंड्स वगैरह आते हैं उसके कारण से जो है इसमें हमें देखने को मिलता है जो इसका जो इसका असर है, जो इसका इम्पैक्ट है, वो हमारे बिजनेस के ऑपरेशंस में हमें देखने को मिलता है। मैक्रो एनवायरनमेंट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज द स्टेट ऑफ इकोनॉमी, डेमोग्राफिक ट्रेंड। देखो डेमोग्राफी भी यहाँ पे आ जाएगा, है ना, आपकी डेमोग्राफी में किस तरह का ट्रेंड है, जिस इलाके में आप रहते हो वहां पे किस तरह का ट्रेंड चल रहा है। हर जगह पे तो सेम तरह का नहीं है, तो जहाँ पे एक जगह पे प्रोडक्ट बिक रहा है हो सकता है कि सेम दूसरी जगह पे प्रोडक्ट ना भी बिके, तो आपको अपने डेमोग्राफिक ट्रेंड्स को भी समझना जरूरी है। स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, आपकी इकोनॉमी कैसी है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कल्चरल एंड सोशल फैक्टर्स, ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी आपके मैक्रो एनवायरनमेंट में। ठीक है, फैक्टर्स टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड नेचुरल एंड इकोलॉजिकल फोर्सेस। ऑल्दो ऑर्गेनाइजेशंस हैव लेस कंट्रोल ओवर द मैक्रो एनवायरनमेंट, दे नीड टू मॉनिटर एंड अडैप्ट टू दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स टू सस्टेन देयर कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है ना, तो बिजनेस, यद्यपि जो बिजनेसेस होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन होता है उनका कंट्रोल जो है मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स के ऊपर बहुत ही कम होता है, माइक्रो वालों के ऊपर थोड़ा बहुत आपका इन्फ्लुएंस है। आप अगर थोड़ा सा प्रेशराइज करोगे अपने क्रिएटर को तो हो सकता है वो आपको सामान जल्दी दे दे या कम पैसे लेकर के दे दे या उधार में दे दे, उनके ऊपर आपका वो जो है थोड़ा बहुत आपका इम्पैक्ट रहता है, थोड़ा बहुत आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े इन्वायरमेंट वाला है, जो मैक्रो इन्वायरमेंट के फैक्टर्स बड़े मैंने अभी गिना है आपको, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। ठीक है ना, तो वही बात बोली यस ये, आपको उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करना होगा, आपको अपने बिजनेस को खुद को अलाइन करना होगा जो भी प्रेजेंट कंडीशन चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, इन समरी द इंटरनल एनवायरनमेंट पर्टेन्स टू द फैक्टर्स विच द ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल, व्हाइल द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनकंपासेस फैक्टर्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोल। उसी बात को फिर से बोला गया है, कुछ अलग नहीं है। द माइक्रो एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ इमीडिएट स्टेक होल्डर्स दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाइल द मैक्रो एनवायरनमेंट कॉम्प्राइजेस ब्रॉडर सोशल एंड इन्वायरमेंटल फोर्सेस दैट इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ऑर्गेनाइजेशन। देखो समरी में ना जो चीजें हम लोगों ने अभी पढ़ी हैं उसी चीज को छोटा करके एक तरीके से बता दिया गया है, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बताने को नहीं है। दैट्स इट। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर 5 मार्क्स में आता है तो आप इसी को लिख देना, लिंक हमारा मैं आपको शेयर शेयर कर दूंगा, और इसके ऊपर एक प्रॉपर पीडीएफ मैं भी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, जिसमें अगर 20 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप किस तरीके से लिखोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ओके ओके देन। सो सर, एनी क्वेश्चन पॉइंट वाइज रिगार्डिंग दिस लिखना टॉपिक? पड़ेगा सर। जी नो सर, पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा फिर हाँ जैसे। बिल्कुल बिल्कुल, उस केस में फिर पॉइंट हाँ वाइज आपको हाँ लिखना पड़ेगा, एक बेसिस ऑफ डिफरेंस आपको बताना होगा, उस बेसिस में आपको जो है बांटना होगा, फिर मैक्रो माइक्रो को और इंटरनल और एक्सटर्नल को बांटना होगा, तो वो आसान है, मुश्किल काम नहीं है, मैंने रेडी करके भी रखा है, मैं थोड़ा सा उसको ढूंढ लूँ फिर मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओके सर, ठीक है, ओके देन। तो अगला क्लास लेट सी, आई होप कि सैटरडे फ्राइडे को ही होगा, बट उससे पहले अगर मुझे टाइम मिला तो मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास और करा दूँ। ठीक है, सो आई विल लेट यू नो एंड मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ठीक है, ओके ओके सर, ओके गाइस, थैंक यू सर, मैं पीडीएफ शेयर कर दे रहा हूँ और इसका लिंक भी। ठीक है, नाइट थैंक सर। यू, गुड ये भी नाइट। कर दीजिए, जो भी पीडीएफ था सर शेयर कर देना आप। हाँ, पीडीएफ वगैरह मैं शेयर कर दूंगा थोड़ा। हाँ, क्योंकि फ्राइडे से स्टार्ट हुआ ना अपना पीडीएफ नहीं आया। यस हाँ, यस वो तो एक इशू है। ठीक है, ठीक है, डोंट ओके वरी, ओके देन, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट, थैंक यू।